ओके यस सो दोस्तों, व्हाट आर वी स्टार्टिंग टुडे? सर, वी आर स्टार्टिंग विद प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, जैसे ही क्लास 12 में प्रोबेबिलिटी आता है ना, दो चीज डेफिनेटली होता है पक्का। एक खुशी कि चल कुछ हल्का है यार, वेरी गुड, ये खुशी जरूरी है बिकॉज हाँ ये हल्का है चैप्टर। लेकिन नंबर टू, जो अच्छा बात नहीं है, वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ये सब तो आता है, क्लास 11 में किए थे, 10 में भी किए थे, 9 में भी किए थे, 8 में भी किए थे। अरे भाई, अगर 12th में प्रोबेबिलिटी है, सो डेफिनेटली इट हैज वेरियस एलिमेंट्स जो कि 9, 10, 11 में अपना नहीं कवर्ड है, वरना 12th में रिपीट चीज क्यों देगा, राइट? तो सर, लेट मी टेल यू कि यहां बिल्कुल प्रोबेबिलिटी में नई चीजें हैं जो अपने को सीखने मिलेंगी। सर, जैसे दोस्तों प्रोबेबिलिटी में जो नई चीजें हैं जो अपने को सीखने मिलती है, उनका नाम मैं आपको बताता हूं, उन कंसेप्ट का नाम मैं आपको बताता हूं, राइट? ध्यान से सुनिएगा। बोलिए सर। सर, सबसे पहले तो होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट एंड सम्स, ऑब्वियसली, जिसको आज अपने लोग कवर करने वाले हैं, जो आज हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर दोस्तों, देयर इज समथिंग कॉल्ड बेस थ्योरम, ठीक है? और बताऊं मैं आपको, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स, सुनिएगा ध्यान से, बर्नौली ट्रायल्स, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स, राइट? जी हाँ सर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम्स, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं बोर्ड एग्जाम्स 2021 का। तो अगर मैं बात करूं 2021 के बोर्ड एग्जाम्स, केवल 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, तो सर मैं आपको बता दूं कि 2021 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये दोनों टॉपिक्स हटा दिए गए थे, बर्नौली ट्रायल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो दैट मींस कि 2021 में जो बोर्ड स्टूडेंट्स देंगे या दिए थे, वो बर्नौली ट्रायल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई नहीं करेंगे, राइट? लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट? जी हाँ सर, बिल्कुल, ओके सर। सो अपने लोग बात को स्टार्ट करते हैं, राइट? दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग द बात, पहले मैं आपको कुछ टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, जिसको अपने लोग भूल जाते हैं अबाउट प्रोबेबिलिटी, उसको मैं आपको एक बार याद करा दूं, राइट? जी हाँ सर। तो दोस्तों, सबसे पहला टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है सर? सैंपल स्पेस क्या होता है सर? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट का जितने भी आउटकम्स पॉसिबल है, उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। सर, इवेंट का मतलब, इवेंट, कोई भी चीज इवेंट कब होता है दोस्तों? कोई भी चीज इवेंट तब होता है जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। नंबर वन, मोर देन वन आउटकम पॉसिबल हो। क्या? मोर देन वन आउटकम पॉसिबल हो, कम से कम एक आउटकम से ज्यादा पॉसिबल हो, और क्या एग्जैक्ट आउटकम होने वाला है वो एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सके। आउटकम, एग्जैक्ट आउटकम कांट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। जैसे अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो, अगर आप कॉइन को टॉस करते हो, तो सर मोर देन वन आउटकम है, हेड्स या टेल्स? अच्छा, अब हेड आएगा एग्जैक्टली या टेल आएगा विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी आप बोल सकते हो क्या? नहीं सर। सो दैट इज कॉल्ड इवेंट। और एक इवेंट में क्या क्या आ सकते हैं, हेड या टेल, तो वो जो हेड या टेल है, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, हेड कॉमा टेल, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। और लेट मी टेल यू दोस्तों कि मैं प्रोबेबिलिटी पर यहां पर आकर खड़ा हूं आपके साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारे बेसिक्स को रिवाइज करवा रहा हूं, खाली उतना जितना अपने को एटलीस्ट यहां पर फ्रिक्शन ना डाले। हमारी क्लास 12 में मैं बोल दे रहा हूं, क्लास 12 में चार टॉपिक्स है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, बर्नौली ट्रायल और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? जी हाँ सर। तो सर, शुरू करते हैं बातचीत को। तो ये होता है सैंपल स्पेस, राइट? जी हाँ सर। अच्छा, अब किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना था, कुछ भी होने का, किसी भी इवेंट का मतलब किसी भी चीज का होने का प्रोबेबिलिटी अपने को कैलकुलेट करना था। लेट से कि एक हेड आए, एक कॉइन को टॉस किए, हेड आने का प्रोबेबिलिटी, तो अपने क्या पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इवन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवन, मतलब कि जो चाहते हैं वो कितना चांसेस है होने का, डिवाइडेड बाई टोटल सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स है। तो देखो, इवन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड,
तो हेड तो आपका एक ही है, क्योंकि देखो दो चीज में से पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है कि हेड आए, तो फेवरेबल आउटकम वन, क्योंकि ये देखो ना एक है खाली हेड, और टोटल टोटल आउटकम्स कितने पॉसिबल है टू। सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी, राइट। दोस्तों अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में चलेंगे, विच इज अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू ऑल, राइट, एट दिस क्लास 12 लेवल। बिफोर आई एंटर इनटू इट्स टेरिटरीज, मेरे को एक बार कंफर्म करिए कि आप लोगों को यहां तक जो मैंने कहा एकदम बेसिक बात, एकदम लाइट बात कही, बेसिक्स था पहले का, वो आप लोग को क्लियर है ना, वो आप लोग को क्लियर है ना, क्योंकि अगर वो बेसिक्स क्लियर है आपको, तब मैं जा सकता हूं प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट नए कंसेप्ट पर, जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्लीज कंफर्म करिए एवरीवन, और कोई भी बेसिक और प्रोबेबिलिटी का जिस पर आप रिविजन चाहते हो तो वो मेरे को बताएं। हालांकि मेरे हिसाब से ये दोनों चीजें जरूरत है आपको लॉजिकली साउंड रहने के लिए फॉर अवर क्लास 12, बट कुछ अगर आप लोग को पूछना है तो प्लीज पूछिए। यस सर, व्हाट अबाउट अदर मेट्स, कम ऑन, सबको रिस्पॉन्ड करें फटाफट। यस सर, क्लियर है। यस सर, ग्रेट, यस सर, ब्रिलियंट, यस सर, ऑल राइट, चलिए सर, सब परफेक्ट, ओके सर। सो दोस्तों आइए अब हम लोग अपने बात के गहराई तक चलें, ठीक है ना सर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है सर, सुनिएगा ध्यान से, है ना। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, जब आप ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ रहे होगे ना, ऑब्वियसली पहले डेफिनेशन लिखूंगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, फिर एग्जाम्पल्स डेमोन्स्ट्रेट होगा, तो भी दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं कि तब भी आप लोगों को कहीं ना कहीं 85% 90% ही समझ में आएगा। वो 10% बाकी क्यों रहेगा, वो 10% जो बाकी रहेगा समझना, वो बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिस रहेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, उतना कंफर्म होगा कि आप लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ चुके हो, समझ रहे हो। सेम फॉर बेस थ्योरम, ठीक है। तो दोस्तों पैनिक पे मत आइएगा, धीरे 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 करके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, जिससे आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेस स्ट्रांग होगा ही होगा, ठीक है। ऑल राइट सर, सर व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दोस्तों यहां पर हम लोग दो इवेंट्स का बात करेंगे, है ना। हाँ सर, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब एक एक्सपेरिमेंट है उसी के अलग अलग पॉसिबिलिटीज है ए और बी, अलग अलग इवेंट्स है ना, सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। अब सर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अपने से देखो नॉर्मली क्या होता था, अभी तक अपने जहां तक पढ़े थे इस लेवल तक, 12 से पहले तक, तो क्या होता था, अपने को बोलता था सुन एक काम कर, प्रोबेबिलिटी निकाल ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी निकाल ऑफ इवेंट बी। बट अब वो टोन नहीं रहेगा, अब वो टोन नहीं रहेगा। तो सर अब क्या टोन रहेगा, अब दोस्तों जो क्वेश्चन का टोन रहेगा वो रहेगा, फाइंड द क्वेश्चन विल आस्क अस, वी विल हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए कैलकुलेट करना होगा। दोस्तों हम लोग को यह कैलकुलेट करना होगा, वी विल हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, समझ रहे हो। इसका मतलब इवेंट बी हो चुका है, अब बता प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है, मतलब एक कंडीशन लग गया, वो कंडीशन क्या है कि इवेंट बी हो चुका है, अब अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर ध्यान से सुनिएगा, इसको पहले तो प्रोबेबिलिटी में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर, इसको पहले प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेट कैसे करते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। ए स्लैश बी प्रोबेबिलिटी ए स्लैश बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए कैलकुलेट करना है व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। उसका फॉर्मूला क्या है सर, पी ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाई पी बी, सब समझ आएगा, ठीक है ना, ठ्यावस रखो, शांति रखो।
पी ए स्लैश बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ इवेंट ए, ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो ये जो स्टेटमेंट है व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ये न्यू एडिशन है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये नया चीज है कि इवेंट बी हो चुका है, तुम हमको बता प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है। अच्छा जी हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सही सर। सर अब एक बात बताओ, मैं पूछा क्या कि सर अगर ऐसा निकालना हो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो दोस्तों फिर इसको ऐसे लिखोगे, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है वो पहले रखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी निकालना है, और जो हो चुका है उसको बाद में रखो, इवेंट ए हो चुका है, देन द फॉर्मूला विल बी सेम, ये डिवाइडेड बाई जो हो चुका है वो डिनोमिनेटर रहेगा। आई से अगेन, जो हो चुका है उसका प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर रहेगा। सर एक बात बोले हम लोग, सर बोलिए। सर सुन के बहुत अच्छा लगा आप जो बोले, हम बोला अच्छा, लेकिन सर समझ में नहीं आया, इसका एग्जांपल दोगे तो समझ आएगा। मैं बोला बात सही है, बात सही है, आइए सर एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल के बहाने एक बोर्ड्स का क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो करवा रहा हूँ ये एक बोर्ड्स का क्वेश्चन है और साथ ही साथ एग्जांपल भी है मेरे लिए। वाओ सर वाओ। तो देखिए 10 कार्ड्स, ठीक है ना, 10 कार्ड्स हैं जिनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, नंबर 1 to 10, किसी एक कार्ड पे 1 है, किसी पे 2 है, किसी पे 3 है, तो 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स मिक्सड अप थरली। मिक्सड अप थरली मतलब जिसको अपने लोग हिंदी में बोलते हैं ना, कार्ड को फेटे, तो वही हुआ थरली, आर मिक्सड थरली एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, मतलब बिना देखे एक कार्ड को ड्रॉ किया जा रहा है, एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, मतलब बिना देखे बिना बुझे निकाले, है ना। हाँ सर, इट इज नोन, अब इंटरेस्टिंग चीज है, सुनो 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 सुनो, अब आप लोग ध्यान दो, टोन पे ध्यान दो, कंडीशन लगाएगा, इट इज नोन, ये बात मालूम है, इट इज नोन दैट नंबर ऑन द कार्ड, जो कार्ड पे नंबर है ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3, ये बात पक्का पता है कि जो कार्ड पे नंबर है जो ड्रॉ किया गया कार्ड वो मोर देन 3 है, ये प्रोबेबिलिटी निकाल की इट इज इवन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इवन, मतलब 3 से ज्यादा है ये बात पता है, सुनो, वन इवेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, दूसरा इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल क्या कि जो कार्ड ड्रॉ किए हैं वो इवन है, ठीक है ना। तो दोस्तों सुनिएगा, हाँ मैं क्वेश्चन करने के बाद भी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा साथ साथ भी। सबसे पहले तो इन सिनेरियोज में ना हमेशा आपको दो इवेंट दिखाई देंगे ही देंगे, एक जो हो चुका होगा और दूसरा जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इवेंट ए क्या है, इवेंट ए क्या है जिसकी प्रोबेबिलिटी अपने को कैलकुलेट करनी है, और वो क्या है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, हमारा वो इवेंट है कि दैट द कार्ड इज इवन। तो इवेंट ए को हम लोग डिफाइन कर दिए कि कार्ड इज इवन, और एक इवेंट है इवेंट बी जो हम लोग डिफाइन करेंगे, जिसमें हम लोग क्या लेंगे, जो हो चुका है, द कार्ड इज मोर देन 3, मतलब द नंबर इज मोर देन 3 ऑन द कार्ड, इवेंट दैट नंबर ऑन कार्ड इज मोर देन 3, ठीक है। हाँ सर, तो दोस्तों अब आप लोग को सबसे पहले तो याद रखना है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, सारे पॉसिबल आउटकम्स, एस क्या है सैंपल स्पेस। तो दोस्तों अगर आप लोग अग्री करते हो तो सैंपल स्पेस क्या है, अरे 1 से 10 तक कार्ड नंबर है और एक ड्रॉ किया, तो सैंपल स्पेस क्या है, 10 में से कुछ भी ड्रॉ कर सकता है, तो 1 से लेकर 10 तक। सर बिल्कुल ठीक, ध्यान से सुनिएगा अभी दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ओके। अब सर हम लोग को यह निकालना है कि अगर कार्ड इवन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड एक इवन हो,
पहले तो ए के आउटकम्स निकालते हैं। इवन कार्ड, इवन कार्ड कब होगा दोस्तों? ऑब्वियसली कार्ड इवन होगा जब 2, 4, 6, 8, 10 रहे, बिकॉज दीज आर इवन। ए ये इवेंट है कि कार्ड इवन इवन है, और बी वो इवेंट है कि नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से सुनना, दोस्तों ध्यान से सुनना, अब आपको क्या स्मार्टनेस चाहिए? सर ये स्मार्टनेस चाहिए आपको कि आपको ये लिखना है कि आपको निकालना क्या है। देखो ध्यान से, इट इज नोन दैट नंबर ऑन कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3, मतलब इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज इवन, दैट इट इट इज इवन, इवन है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पी ए स्लैश बी निकालना है? हाँ सर मैं बोल सकता हूं, हाँ सर मैं बोल सकता हूं, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता रखा है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हो चुका है दैट इज बी। तो सर इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्या? ऑब्वियसली सर कैलकुलेट करेंगे कैसे बताइए जरा, मैं बोला ध्यान से सुनो, मैं बोला ध्यान से सुनो, आपको क्या चाहिए? एक ए इंटरसेक्शन बी की और एक बी की। सबसे पहले तो ए और बी पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लो। बी में कितने आउटकम्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पॉसिबिलिटीज है, और टोटल सैंपल स्पेस 10 है। मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना तो यही है ना, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, करेक्ट। अच्छा अब हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले ए और बी में कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं अपने लोग को वो निकालने पड़ेंगे। आइए, जो ए में भी और बी में भी है, 4, 6, 8 और 10, तो 4, 6, 8 और 10 है ऐसे इवेंट्स या ऐसे आउटकम्स जो दोनों के अंदर है, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा? 4, 6, 8, 10। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या बोला? इट इज नोन दैट द नंबर ड्रॉन ऑन द कार्ड इज मोर देन 3। तो अगर नंबर ड्रॉन ऑन द कार्ड इज मोर देन 3 है, तो ये थोड़ी बोला अपने को कि नंबर ड्रॉन ऑन द कार्ड इज मोर देन 3 है तो वो ऑड नंबर ड्रॉ किए या इवन नंबर, वो तो हमको कैलकुलेट करना है कि वो इवन है। क्वेश्चन तो यही बोला है ना कि इवेंट क्या हो चुका है, कि जो नंबर है वो मोर देन 3 है। तो जनाब जब आप डिफाइन करोगे बी को तो क्या लिखोगे? इवेंट दैट द नंबर ऑन कार्ड इज मोर देन 3 ना, बी तो वही होगा, एक इवेंट जहां पे नंबर ड्रॉन ऑन द कार्ड इज मोर देन 3, ठीक है ना? और ए है क्या जो आपको निकालना है, दैट इट इज इवन। तो आप लोग लॉजिकली सोचिए कि आपको निकालना क्या है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज इवन, सुनिएगा, प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन इज इवन व्हेन वी नो दैट द कार्ड दैट हैज बीन ड्रॉन हैज अ नंबर ग्रेटर देन 3, मतलब जो नंबर है कार्ड पर वो 3 से ग्रेटर है, ये मालूम है, जो नंबर है कार्ड पर वो 3 से ग्रेटर है मालूम है, ये प्रोबेबिलिटी निकाल के वो इवन नंबर है, समझ आया? तो दोनों को इंडिपेंडेंटली रखना है, पहला कि वो ग्रेटर देन 3 है, इवेंट दैट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, और दूसरा जो निकालना है दैट इट इज इवन। याद रखिएगा, कंफ्यूजन में मत आइए जबरदस्ती का, ठीक है? जो भी है तो ए इंटरसेक्शन बी 4, 6, 8, 10 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी सर? 4/10 होगी। सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप, 4/10 होगी। बस अब करना क्या, बस अब करना क्या, दोनों निकाल लिया, अब अपने को क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, अपने को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन ए व्हेन वी नो दैट द नंबर ड्रॉन इज मोर देन 3, नंबर ड्रॉन इज मोर देन 3। तो सर इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं, करेक्ट? जी हां सर। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है सर? 4/10, और बाई पी बी यानी कि कितना है? 7/10, 4/10 / 7/10। फिर तो सर क्या करना है आपको, 10 10 खत्म, 4/7। दिस माई डियर फ्रेंड्स इज योर आंसर। और मैं एक सच बात बताऊं, मैं एक सच बात बताऊं सर, बताओ, क्योंकि हमारा बुक, क्योंकि हमारा करिकुलम हमसे डिमांड करता इस तरीका का प्रेजेंटेशन, इसलिए हम लोग इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, वरना आंसर तो एक लाइन में भी आप निकाल सकते हो। सर कैसी बात करते हो, आप बोल रहे हो एक लाइन में भी आंसर आ सकता है, हाँ कैसे सर, कैसे सर, ये समझाइए। मैं बोला देखो क्या पता है आपको कि सर हमें यह पता है कि कार्ड जो है, जो कार्ड ड्रॉ किया वो ग्रेटर देन 3 है। अरे तो जनाब ग्रेटर देन 3 है तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, 4 से लेकर 10 तक कुछ हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल 7 पॉसिबिलिटीज है, और इन 7 में से कितनी जगह पर इवन नंबर है, 4 है, 6 है, 8 और 10 है, तो 4 इवन नंबर है, ये लो 4/7 आंसर आ गया, आंसर आ गया सर। ये जो हम लोग इतना मेहनत करके 4/7 पर आए हैं, ये लीजिए, मैं तो पहले ही ऐसे आंसर ला दिया आपको,
तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रेजेंटेशन ऐसा है, बट अगर आप लोग साउंडली और लॉजिकली सोच रहे हो तो आप फर्स्ट स्टेप में ही आंसर लिख सकते हो। दोस्तों मेरे को एक बार प्लीज कंफर्म करिए आप लोग को समझ आया कि नहीं आया, और अगर नहीं आया तो क्या डाउट है ये बताइए। कम ऑन मेट्स, वेटिंग फॉर एवरीबॉडीज रिस्पॉन्स। और अगर क्लियर है तो रिस्पॉन्ड करें यस सर। ग्रेट, वेरी गुड, यस सर समझ गया, यस सर। व्हाट अबाउट अदर मेट्स, क्लियर? यस सर क्लियर। ग्रेट, चलिए सर, सर बातचीत को आगे बढ़ाएं, सर बातचीत को आगे बढ़ाएं। ओके सर, बातचीत आगे बढ़ाएं। दोस्तों दोस्तों प्लीज रिमेंबर समथिंग, एंड व्हाट वुड दैट बी सर? सर प्लीज रिमेंबर समथिंग कि जब आपको किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है और कोई और इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो उसको लिखने का तरीका, क्रोनोलॉजी आप लोग सही लिखें, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो सर गड़बड़ हो जाएगा। आइए सर कुछ और सम्स करते हैं, आइए सर कुछ और समझ करते हैं, तो सर टाइम स्पेंड करते हैं इस टॉपिक के साथ, अपने आप ही चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन, अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, देखो एक बार फेंकते हैं तो सिक्स आउटकम्स पॉसिबल, दो बार फेंके मतलब 6 × 6 36 आउटकम्स पॉसिबल, इजंट इट? जी हां सर। अ डाइस थ्रोन ट्वाइस एंड सम ऑफ नंबर्स अपियरिंग is observed to be 6, तो हम लोग पाए कि जो सम ऑफ नंबर है वो क्या है, 6 है। अच्छा, सम ऑफ नंबर 6 है, a die thrown twice and sum of numbers appearing is observed to be 6, observed to be 6 मतलब पाया गया, मतलब सम इवेंट has already occurred, टोटल 6 आ गया दोनों डाइस पर मिलाकर, समझ आया? फीलिंग आ रहा है कि वन इवेंट has already occurred। अच्छा, what is the probability that the number 4 has occurred at least once? Aisa इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो टोटल 6 आया है, जो टोटल 6 आया है उसमें एटलीस्ट एक बार 4 आया हो, एटलीस्ट एक बार 4 आया हो, एक से ज्यादा बार भी आ सकता है, बट कम से कम एक बार 4 आया हो, ठीक है? तो सर देखिए, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है कि 4 एटलीस्ट एक बार आया हो, राइट? लेकिन क्या हुआ हुआ है ऑलरेडी, दैट द सम टोटल इज 6। ओके, गॉट इट सर। तो देखिए मैं डिफाइन कर रहा हूं, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं एक को डिफाइन कर रहा हूं, दैट फोर अपीयर्स एट लीस्ट वंस, क्योंकि जो कैलकुलेट करना है ना उसको मैं हमेशा ए लेता हूं, ठीक है ना? इवेंट, इवेंट दैट फोर हैज ऑकर्ड एट लीस्ट वंस, इवेंट दैट फोर हैज ऑकर्ड एट लीस्ट वंस, मित्रों इवेंट दैट फोर हैज ऑकर्ड एट लीस्ट वंस। अच्छा, और बी क्या है, इवेंट दैट सम ऑफ द नंबर्स इज 6, वो इवेंट जहां पर अपने को ये पता है कि सम ऑफ द नंबर 6 है, इवेंट दैट सम ऑफ नंबर्स इज 6। अब आप लोग को ना इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली दोनों को कैलकुलेट करना है। तो देखिए, ए क्या है, इवेंट दैट फोर हैज ऑकर्ड एटलीस्ट वंस, मतलब 4 आया है कम से कम,
फोर आया है कम से कम ये निकालना है। तो भाई दो डाइस अगर थ्रो करते हैं तो कैसे हो सकता है वो, फोर वन फोर टू फोर थ्री फोर 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 फाइव फोर सिक्स, क्या तो ऐसे फोर आ सकता है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर दोस्तों हो सकता है उल्टा, चलो वन फोर टू फोर थ्री फोर, अच्छा ध्यान रखिए फोर फोर दोबारा मत लिखिएगा क्योंकि पहले लिख चुके हैं, फाइव फोर एंड सिक्स फोर, करेक्ट, जी हाँ सर। अच्छा नंबर ऑफ आइटम्स इन सैंपल स्पेस आप लोग जानते हो कितना है, 36 है। अरे क्योंकि दो डाइस एक साथ फेंकेंगे तो टोटल 36 आउटकम पॉसिबल है, कैसे, एक डाई पर छह आउटकम और कितने डाई है टू, तो सिक्स टू डी पावर टू, यानी कि टोटल 36 आउटकम्स पॉसिबल है। अरे कैलकुलेट करके देखो ना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 छह आउटकम, वैसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 अगेन छह, ऐसे करते करते 6 1 6 2 6 3 6 6 तक जाए तो 36 आएगा आउटकम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल स्पेस इज 36 एंड नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ए इज हाउ मच, 1 2 3 4 5 6, याद रखिएगा ये 1 है ये 2 है ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, अगर सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पे टाइम स्पेंड करें तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 11/36 है, ठीक है ठीक है ओके सर। आगे बात करें सर, आप बी एक इवेंट है जिसका सम ऑफ नंबर 6 है, अब सम ऑफ नंबर अगर 6 है तो ये कैसे कैसे पॉसिबल है सर, देखिए ध्यान से, 1 5 जब आए, 5 1 जब आए, 3 3 जब आए, 4 2 जब आए, या फिर 2 4 जब आए, और कहीं तो पॉसिबल है नहीं, अगर है तो बताइए मेरे को आप लोग, ठीक है ओके सर नहीं पॉसिबल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा बच्चा लोग, 1 2 3 4 5 5/36 यस और नो, हाँ सर 5/36, सवाल अब ये नहीं है कि 5/36 आया, सवाल अब ये है ही नहीं कि 5/36 आपका आया, अब सवाल ये है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट 4 हैज ऑकर्ड, दैट द नंबर 4 हैज ऑकर्ड एटलीस्ट वंस व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, दैट इज द सम टोटल ऑफ 6 हैज ऑलरेडी कम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी निकालना है, एंड यू नो व्हाट, इट इज ए इंटरसेक्शन बी, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सुनिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है सर, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए जो ए में भी हो और बी में भी हो, सर ए में क्या है 4 1 4 2, देखिए 4 2 और फिर ध्यान से सुनिएगा, 4 2 है 2 4 है और सर और कुछ है क्या जो ए में भी हो और बी में भी हो सर, आई डोंट थिंक सो, नहीं सर और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है सर, तो यानी कि एक है 2 4 और एक है 4 2, याद रखिएगा ऐसे लिखना जरूरी है ए इंटरसेक्शन बी को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2/36 क्योंकि टोटल दो ही आउटकम्स है, हाँ सर है, बस अब सर पी ए बाई बी निकाल लीजिए सर, ए स्लैश बी, एक्चुअली ए बाई बोलना गलत है मेरी तरफ से, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2/36, 2/36 डिवाइडेड बाई पी बी क्या है, पी बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/36, तो क्या होगा 2/36 इंटू 36/5, 36 खत्म 2/5, दिस इज द अल्टीमेट आंसर, और मैं सच बताऊं तो ये आंसर तो अपने लोग पहले ही निकाल लिए, कैसे ये देखो, आपको क्या पता है कि वन इवेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, व्हाट इज द इवेंट दैट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, दैट द सम टोटल हैज ऑलरेडी कम 6, अरे तो जनाब इधर आइए ना, इसका मतलब पांच पॉसिबिलिटीज है, सम टोटल हैज ऑलरेडी कम 6, और उसमें अपने को क्या चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है, दैट एटलीस्ट 4 ऑकर्स वंस, तो 4 ऑकर्स वंस में देखिए यहां भी 4 आया यहां भी 4 आया, तो इन पांच में से दो बार 4 आया तो प्रोबेबिलिटी 2/5 आया कि नहीं आया, क्योंकि इन टोटल इनका टोटल भी 6 हो गया, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड और एटलीस्ट 4 एक बार आना चाहिए वो कंडीशन भी सेटिस्फाइड, तो देखिए 2/5 आया कि नहीं आया, वही तो मेरा आंसर आया 2/5, ओ तो ये बात है, जी हाँ ये बात है दोस्तों, बात क्लियर है कि नहीं, कंफर्म करना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा, कमॉन कमॉन मैथ्स फटाफट,
जी हाँ, अगर ऐसा लिखा होता कि जो फोर डज नॉट ऑकर एट ऑल, फोर डज नॉट ऑकर एट ऑल, अगर फोर डज नॉट ऑकर एट ऑल निकालना है, अगर फोर डज नॉट ऑकर एट ऑल है तो फिर हाँ माइनस करेंगे। खैर ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द फ्रेंड्स इज आस्किंग कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्यों निकाले आप? अरे ऐसे ही निकाल लिए, अच्छा लग रहा था, फ्लो फ्लो में निकाल दिए। बट आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो मैं 11/36 निकाला हूं, इसकी कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सर ठीक है। जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक है सर, आगे बात करें आप। मैं बोला ओके। देखिए 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 देखिए, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है, प्लीज कायदे से सुनिएगा। हाँ सर, अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है ना। हाँ सर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बच्चे बॉयज हैं, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय? ये बात पक्का बता दिया हमें क्वेश्चन, ये बात क्वेश्चन हमें पक्का बता दिया कि भाई चलो हम तुमको बताते हैं कि उनमें से एक लड़का है। ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों लड़के हैं? ओ तो ये बात है। हाँ सर, अभी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सैंपल स्पेस में क्या क्या पॉसिबल है जरा उसके बारे में बात करें सर। सैंपल स्पेस मतलब अगर दो चिल्ड्रन है तो क्या क्या हो सकता है एट मैक्स? सर हो सकता है बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल, यही हो सकता। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना सर, नहीं हो सकता। अब सर मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि एक इवेंट ई डिफाइन करते हैं, ए बी आपका जो मर्जी आप लीजिए, जो हम लोग को निकालना है, या ए लिख लीजिए, आप लोग को ए का शौक है ये लीजिए। ए क्या है जो निकालना है, बार बार बोल रहे हैं ए जो है निकालना है वो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज? तो ए का मैं लिख लेता हूं बोथ आर बॉयज, और बी क्या है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। एटलीस्ट वन इज अ बॉय, एटलीस्ट वन इज अ बॉय, ठीक है। तो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब अपने को निकालना क्या है दोस्तों, प्लीज ध्यान से सुनिए। अपने को निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज इवेंट ए का, व्हेन वी नो दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, दैट इज बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। ओ ओ अच्छा सर, अभी एक बार सुनिए, बोथ आर बॉयज, अगर बोथ आर बॉयज है तो सर इसके अंदर तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, जब बी बी हो, जब बी बी हो, क्योंकि इसको छोड़कर तो और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एटलीस्ट वन इज अ बॉय, एटलीस्ट वन इज अ बॉय का क्या 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 पॉसिबिलिटीज है सर? देखिए ध्यान से, ऐसा हो सकता है कि बी जी हो, हाँ सर ये हो सकता है, और सर क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जी बी हो, मतलब पहले गर्ल फिर बॉय हो, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉय बॉय हो, क्योंकि लिखा हुआ एटलीस्ट वन इज अ बॉय, सो बोथ कैन बी बॉयज, ये भी इंक्लूड होगा, ये बी के अंदर इंक्लूड होगा सर। जी हाँ सर बिल्कुल इंक्लूड होगा। अच्छा अभी ध्यान से सुनिएगा, मैं एक काम करता हूँ है ना, मैं इवेंट को और फिर बॉय को भी मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इवेंट को भी बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं इसको सी से डिफाइन कर देता हूँ है ना, इसको मैं सी से डिफाइन कर देता हूँ। समझ में आया? हाँ सर, इसका पर्पस केवल ये था कि कंफ्यूजन ना हो, कि कोई लोग सोच रहा है बी बॉय है, कोई सोच रहा है बी एक इवेंट है, तो वो कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं सी लिख दिया। सी है कि एटलीस्ट वन इज अ बॉय, ये बात पता है हमें, ठीक है। ओके सर, अभी ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी कितना केसेस में हो रहा है? जब दोनों बॉयज है तभी हो रहा है, क्योंकि सी में भी वो पॉसिबिलिटी है और ए में भी वो पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। हाँ सर, तो यानी कि बी कॉमा बी, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज व्हाट, वन आउट ऑफ फोर,
क्योंकि सैंपल स्पेस तो फोर ही है, टोटल सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज तो फोर ही है। हाँ सर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारा 3/4, क्योंकि देखिए ना 3 केसेस है। हाँ सर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/C क्या होगा सर? 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4, यानी कि 1/4 इंटू 4/3, 4 खट गया 1/3। वापस से बोल रहा हूं, ये आंसर पहले से ही मालूम था, पता है कैसे? क्योंकि देखिए C क्या है, C तो ऑलरेडी हो चुका है, एटलीस्ट वन इज अ बॉय मालूम है, तो इन तीन में से ही कुछ होगा। और अपने को क्या चाहिए? दोनों बॉय हो, वैसा तो सिर्फ एक केस है ये वाला, तो 1/3 आंसर पता ही है मेरे को, 1/3 आंसर अपने को पता ही है। ये रहा देखो, ओ इसको बोलते हैं प्रेजेंट करने का तरीका। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज कंफर्म यस और नो, प्लीज कंफर्म यस और नो। ओके सर, हाँ सर, वाओ वेरी गुड। क्लियर, ग्रेट ग्रेट। चलिए सर आगे बात करें हम। मैं बोला ओके, ध्यान से सुनिएगा। ओके सर, ध्यान से सुनिएगा, बोलिए सर। अभी दोस्तों क्वेश्चन है, सुनिएगा, बोलिए सर। क्वेश्चन है, या इनफैक्ट एक लेट से मैं आपको ना अब कोशिश कर रहा हूं नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चन करवाने की, बट आपको एक प्रॉपर्टी समझाने की, बिकॉज दिस कम्स यू नो, इसका एप्लीकेशन तो आप तब समझोगे जब एग्जाम में आएगा, बट लॉजिकली पहले दो प्रॉपर्टीज है कंडीशन प्रोबेबिलिटी की, वो आप लोग सुन तो लो। बोलिए सर क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, करेक्ट? जी हाँ सर। सर हाउ डू वी गो अबाउट इट सर? प्लीज वुड यू एक्सप्लेन अस सर? यस आई वुड। देखो दोस्तों, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस का ऑकरेंस व्हेन वी नो कि इवेंट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, सर वो 1 होगा। है सर क्या बोल रहे हो आप? सर समझ में नहीं आया। मैं बोला देखो, सैंपल स्पेस तो लार्जेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है, और सैंपल स्पेस का एक छोटा सा हिस्सा होता है इवेंट ए। अपने को बोल रहा है कि इवेंट ए हो चुका है, अपने को क्या बोल रहा है? इवेंट ए हो चुका है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस? अरे तो जनाब, ए तो जो है वो सैंपल स्पेस का ही पार्ट है, ए जो है वो तो सैंपल स्पेस का ही पार्ट है, तो सैंपल स्पेस तो हमेशा होगा ही, दैट इज द प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी 100%, यानी कि 1। समझ आ रहा है सर? समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिएगा, इसका मैं एक एग्जांपल दूं आपको सर, दीजिए। हालांकि ये प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी है, कोई क्वेश्चन आपसे इससे पूछने नहीं वाला, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट से हाँ, अ डाइस थ्रोन, ठीक है? हाँ सर ठीक है, अच्छा बात है, खुशी हुआ सर। वी नो दैट 5 वॉकर्स की 5 आया, वी नो दैट 5 वॉकर्स, ये पता है अपने को, इवेंट सम इवेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? सुनिएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज लेस देन 7? अरे भाई कैसी बात करते हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज लेस देन 7? तो अगर आप लोग कॉमन सेंस लगाओ तो जनाब, सैंपल स्पेस क्या है? 1 से लेकर 6 तक है, राइट? और नंबर इज लेस देन 7, तो लेट से ए बी एन इवेंट वेयर नंबर इज लेस देन 7, तो 7 से कम क्या क्या नंबर आ सकते हैं? अरे सर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकते हैं, 2.5 के फेंकने पर,
और हम लोग को पता है कि बी क्या आया है, क्या ऑकर, फाइव ऑकर्स, तो यानी कि बी क्या है, वन है। अरे तो सॉरी क्या आया है, फाइव आया है, फाइव आया है। तो सर सर एक सिंपल सी बात है, ये लोग क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपको, ये लोग क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपको कि ये निकालो कि ए हुआ है जब ये, जब आपको पता है कि बी हुआ है। आप समझ रहे हो क्या होगा, समझ रहे हो आप क्या होगा? हाँ सर बताइए क्या होगा। ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ पर वो क्या सर कि जो अपना प्रोबेबिलिटी है वो वन आएगा सर। किस तरह से, मैं बोला देखो, मैं बोला ध्यान से सुनो, जो बी है, जो बी है, ए जो है वो क्या है, यही है पूरा का पूरा 6/6 1। अब लेस देन 6 है तो 100% चांस ही है ना कि ये जो 5 है वो लेस देन 7 है। तो इसका मतलब इतना कैलकुलेशन करने का यहां पर कोई काम ही नहीं है आपको। यहां पर पर्पस इस सम का लिखने का केवल ये था, ये ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, इसको लिखने का केवल ये पर्पस था कि आपको ये समझ में आए कि भैया सैंपल स्पेस तो सबसे लार्ज इवेंट होता है, तो अब सैंपल स्पेस में से एक इवेंट हुआ है और वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि सैंपल स्पेस हुआ है। अरे भैया फुल प्रोबेबिलिटी है क्योंकि तुम सैंपल स्पेस के ही एक हिस्से हो। अच्छा तो ये बात है क्या? जी हाँ सर ये बात है। अच्छा एक और चीज सर, वो एक और छोटी सी चीज वो है कि अपने लोग ये बात पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा, हालांकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रूल नहीं है, ये अपने लोग 11 में भी पढ़े थे, बट मैं याद दिला दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यस और नो? हाँ सर बिल्कुल दोस्तों, उसी लाइन में यहां पर क्या एक फॉर्मूला है, एप्लीकेशन जब होगा तो आप लोग को पता चलेगा वो क्या है। वो फॉर्मूला है दोस्तों कि ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी स्लैश, अब एक इवेंट है, ए यूनियन बी हो गया, ए यूनियन बी हो गया, अब सर मान लीजिए एक इवेंट है लेट से एफ, तो व्हाट इज इट्स प्रोबेबिलिटी? तो सर इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसका क्या मतलब है मालूम है, मेरे को पता है कि आपको जानना है, बट देन जब वो फॉर्मूला आएंगे तो आपको अपने आप ही बता दिया जाएगा। इट जस्ट कि आई नीडेड टू एक्सप्लेन यू, मतलब गिव यू दिस कंडीशंस और व्हाट शुड वी से प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सो आई हैव टोल्ड देम, जब काम आएगा यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू नो। चलिए खैर अभी क्वेश्चन पर आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही, इन अ स्कूल, ठीक है आइए सर, इन अ स्कूल देर आर 1000 children, ठीक है ना, देर आर 1000 students एज वी कॉल इट, ठीक है। हाँ सर बढ़िया बात है, आगे बोले सर आप, एक स्कूल में 100 students है और अपने को ये बोला है आउट ऑफ विच, ये अपने को बोला है कि 430 आर गर्ल्स, ये अपने को पता है कि 430 आर गर्ल्स, और इसमें ये भी मालूम है इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12, ये बात पक्का पता है कि 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12, और ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है फिर मैं करवाऊंगा, 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12, ये बात अपने को पता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट, कोई भी एक स्टूडेंट को आपने रैंडमली चूज किया, दैट अ स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन, जो एक रैंडमली स्टूडेंट को चूज किए वो स्टडी करते हैं क्लास 12 में, गिवन दैट, और ये बात पता है, गिवन दैट स्टूडेंट चोजन इज अ गर्ल, ये बात पता है, ये इवेंट हो चुका है कि गर्ल चूज हुआ है। अब ये बता कि शी इज इन क्लास 12, इसका प्रोबेबिलिटी बता, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग पहले करें, उसके बाद आई विल इलेबोरेट ऑन इट, इसका प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग विल बी शोन। करिए फटाफट सर, वेटिंग फॉर एवरीबॉडी।
करना आपको है दोस्तों, फटाफट। देखिए चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट रैंडमली चोजन इज ऑफ क्लास 12। तो मैं क्या बोला, जो निकालना है ना उसको हमेशा ए ले लो, स्टूडेंट चोजन इज ऑफ क्लास 12। और एक और प्रोबेबिलिटी है बी, ये पता है अपने को कि स्टूडेंट चोजन इज अ गर्ल, स्टूडेंट वेरी वेरी गुड, सम ऑफ द फ्रेंड्स हैव आंसर्ड इट एब्सोल्युटली करेक्ट, स्टूडेंट चोजन इज अ गर्ल, बी है स्टूडेंट चोजन इज अ गर्ल, ठीक है ना। अभी ध्यान से सुनना, तो आप लोग सब अग्री करोगे कि ए स्लैश बी निकालना है, बिकॉज वी नो दैट द स्टूडेंट चोजन इज अ गर्ल, वी हैव टू फाइंड आउट दैट शी इज फ्रॉम क्लास 12, यही निकालना अपने को। सब अग्री करते हैं, हाँ सर अग्री करते हैं। अब सर ये बात तो सबको ही मानते हैं ना कि इसका फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। अच्छा अब दोस्तों ध्यान से सुनना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1000 है, यस सर 1000 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी मतलब द स्टूडेंट चोजन इज अ गर्ल। अरे आउट ऑफ 1000 देर आर 430 गर्ल्स, आउट ऑफ 1000 देर आर 430 गर्ल्स, तो 430 बाई 1000, यस और नो? सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप, सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप, क्योंकि बोला है ना स्टूडेंट चोजन इज अ गर्ल और 430 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 1000। अभी सुनिएगा, 430 आउट ऑफ 1000, अभी ध्यान से सुनिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट चोजन इज अ गर्ल क्या है, 430 आउट ऑफ 1000 बिकॉज देर आर 1000 स्टूडेंट्स एंड 430 गर्ल्स, करेक्ट? जी हाँ बिल्कुल। अभी सुनिए, अब अपने को क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी, सुनिएगा, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कि स्टूडेंट जो चोजन है वो क्लास 12 में भी है और साथ में वो गर्ल भी है, तो ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं, ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट चोजन इज अ गर्ल एज वेल एज फ्रॉम क्लास 12, इज अ गर्ल ऑफ क्लास 12। समझ आया क्यों ऐसा, इसलिए दोस्तों बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि ए क्या था, स्टूडेंट चोजन इज ऑफ क्लास 12 जो निकालना है, और बी जो स्टूडेंट चोजन इज अ गर्ल जो पता है, तो अगर दोनों को कंबाइन करें, इंटरसेक्शन करें, दोनों हो रहा है, मतलब इट्स अ गर्ल ऑफ क्लास 12, तो इसका कितना चांसेस है, ध्यान से देखिए, 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12, तो गर्ल्स है 430, तो नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन क्लास 12 कितने होंगे, 43। देखिए ना 430 गर्ल्स में से 10% गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12, तो यानी कि 43 गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12, तो यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन क्लास 12 इज 43। कैसे निकालें आप, 430 का 10% दिया हुआ ही था क्वेश्चन में, मैंने तो कुछ नहीं किया खास, सर बिल्कुल ठीक। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है सर, 43 आउट ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 1000 स्टूडेंट्स, बिकॉज टोटल स्टूडेंट्स तो 1000 ही है। अब अपने को खाली वैल्यू बैठाना और आंसर पा लेंगे, तो यानी कि पी ए स्लैश बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई दोस्तों ये तो हो गया 40, ये अपने लोग का 43 बाई 1000 आउट ऑफ 430 बाई 1000, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो, राइट, वेरी गुड, मैक्सिमम लोग का आंसर सही आया है, तो यानी कि 43 बाई 1000 इंटू 1000 बाई 430, सर 1000 1000 खत्म, 43 वन जा 10 जा, सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/10, दैट इज द आंसर। और ये कोई सरप्राइज है ही नहीं, ये कोई सरप्राइज है ही नहीं, क्यों, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आपको किस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना था कि स्टूडेंट क्लास 12 का है, और आपको क्या पता था कि गर्ल है, अरे तो यार कितने गर्ल्स हैं, 430 गर्ल्स है, तो 430 में से कुछ होगा, तो टोटल 430 है डिनोमिनेटर, सुनिएगा अभी, और उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स इन 12 कितने हैं, 43, तो 43 बाई 430 विल बी अवर आंसर, काटाकुटी कर लो, 1/10 विल बी अवर आंसर, ये रहा। दोस्तों कुछ लोगों ने मिस्टेक्स की थी, तो अब जिन्होंने मिस्टेक की कोई बात नहीं, बट अब तो क्लियर है ना, कंफर्म करिए ना कि अब तो क्लियर है ना, अब तो मिस्टेक नहीं करोगे ना, इसको तो कंफर्म करिए। सब कोई कंफर्म करे, यस और नो?
यस सर, ग्रेट, यस सर, चलिए सही है, वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, लेट मी टेल यू समथिंग नाउ, या लेट मी आस्क फ्रॉम यू समथिंग, ओके? हाँ सर, बताएं क्या आप पूछ रहे हैं या क्या बता रहे हैं आप हमें? मैं बोला ध्यान से सुनिए। वो सर ये है, ये एक होम टास्क है जो मैं चाहता हूँ आप लोग करें। एवरीबडी, इट्स अ गुड क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व इट। यस सर, बोलिए सर। क्वेश्चन है कि एक इंस्ट्रक्टर है ना, एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक, हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग 300, कंसिस्टिंग 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस है उसमें 300 इजी क्वेश्चंस है, 200 डिफिकल्ट है, टू हंड्रेड डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस है, ठीक है ना? और बताइए सर, 500 इजी, 500 इजी एमसीक्यू क्वेश्चंस है, एंड 400 डिफिकल्ट एमसीक्यूज है। अब इंटरेस्टिंग बात है, अगर एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं एट रैंडम, इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इट्स सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इजी क्वेश्चन होगा? वैन इट इज गिवेन, जब आपको ये मालूम है कि वो एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पकड़ाया है, इट इज गिवेन दैट इट इज ऑफ एमसीक्यू टाइप। ये है क्वेश्चन सर, एंड दोस्तों आई वॉन्ट यू टू सॉल्व इट फॉर योर होम टास्क, इट्स अ गुड क्वेश्चन, एंड अगर आप लोग ये कर लिए ना, सो वी कैन एलिवेट इन टू द यू नो सम सॉल्विंग ऑफ वॉट डू वी कॉल इट प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट? तो दोस्तों लेट्स कीप इट फॉर द डे, सबका कंफर्मेशन चाहिए मेरे को। यस सर, ग्रेट, ओके चलिए दोस्तों, ओके चलिए दोस्तों, दैट्स इट फॉर द डे देन।